में मौजूद विवादास्पद कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि डीएचएफएल में उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने एक विवादास्पद निर्णय के तहत अपने कर्मचारियों के 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड निवेश किया जो अब फंस चुका है। मुद्दे को लेकर आगे चर्चा करें, उससे पहले एक नजर रिपोर्ट पर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पावर सेक्टर एम्प्लॉयज ट्रस्ट पर 1600 करोड़ रुपए की अनियमितता और घोटाले का आरोप लगा है। मुंबई की विवादित कंपनी डीएचएफएल के साथ यूपी सरकार के कथित सौदे को लेकर लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। यूपीपीसीएल ने कथित रूप से अपने 1600 करोड़ रुपए के फंड का डीएचएफएल में निवेश किया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने अपने सरप्लस निधि कर्मचारी को डीएचएफएल की सावधि जमा योजना में मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक जमा कर दिया। लाखों बिजली कर्मचारियों के भविष्य निधि की रकम असुरक्षित ढंग से निजी कंपनी डीएचएफएल सीएल में लगाए जाने के घोटाले के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी और महाप्रबंधक और सचिव ट्रस्ट प्रवीण कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच कराने का फैसला भी किया है। वहीं इस मामले में सीबीआई जब तक जांच शुरू नहीं करती तब तक लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर की विवेचना डीजी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन डॉक्टर आरपी सिंह की देखरेख में होगी। इस बीच गृह विभाग सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने की तैयारियों में भी जुट गया है। वहीं इस मामले में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने डीएचएफएल के इकबाल मिर्ची और दाऊद इब्राहिम से संबंधों पर गंभीर चिंता प्रकट की है। तो दूसरी तरफ भविष्य निधि की धनराशि निजी कंपनी में निवेश किए जाने के खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का पीएफ डिफॉल्टर कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में जमा करने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पावर कॉरपोरेशन के कर्मियों की भविष्य निधि का पैसा डीएचएफएल जैसी डिफॉल्टर कंपनी में फंसा दिया है। किसका हित साधने के लिए कर्मचारियों की 2000 करोड़ से भी ऊपर की गाढ़ी कमाई इस तरह की कंपनी में लगा दी गई। उधर मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट किया है कि डीएचएफएल में कर्मचारियों के भविष्य निधि के निवेश का मामला गंभीर है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपीपीसीएल के सभी कार्मिक मेरे परिवार के सदस्य हैं, किसी का कोई अहित ना हो सरकार ये सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और बहुत हास्यास्पद है कि इतना तेज गति से भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई कर रही है और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त जो लोग हैं, जो करप्शन का कॉकस है, जिनको भ्रष्टाचार में जो माहिर हैं, भ्रष्टाचार के लिए जो कुख्यात हैं, ऐसे दल के नेताओं का योगी जी की सरकार पर टिप्पणी करना हास्यास्पद ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। और खासतौर से शहजादे और शहजादी श्रीमान अखिलेश यादव जी, आप बिना होमवर्क किए बोलते हैं और आपको शायद इस बात का अंदेशा नहीं है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते हैं। आपके नाक के नीचे क्या होता रहा इसकी जानकारी आपको नहीं है।
आप आरोप लगाने से पहले आपने होमवर्क भी नहीं किया, आप मुद्दे की तह तक नहीं गए। चलो शहजादी को तो आप छोड़ सकते हैं, शहजादी भी नई नई आई हैं राजनीति में और उसी पैटर्न पर चल रही हैं जिस पैटर्न पर उनके भाई शहजादे चल रहे थे श्रीमान राहुल गांधी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही विद इन आवर्स जो है हम लोगों को निर्देश दिया, गृह विभाग को, डीजीपी साहब को और प्रमुख सचिव ऊर्जा को, कि हम तत्काल इसको संज्ञान में लेकर FIR दर्ज करें। कल ही जो है हजरतगंज थाने में प्रमुख सचिव ऊर्जा ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से FIR दर्ज की और जो दो नामजद अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कल ही कर लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि इस प्रकरण में माननीय मंत्री ऊर्जा साहब ने एक संस्तुति की थी कि इसकी CBI जांच कर ली जाए, तो सर का प्रस्ताव जो था उसको गृह भाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने CBI जांच के लिए भी अनुमोदन फाइल पर दे दिया है और डिटेल्स के साथ आज ही हम DOPT को CBI की जांच के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया कि जब तक CBI इस मामले की इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करती है तब तक DGEOW श्री RP सिंह जी उसकी तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें और कल रात में ही जो एक गिरफ्त व्यक्ति थे डायरेक्टर फाइनेंस रिटायर्ड उनका जो है उनसे जो है पूछताछ भी कर ली गई है और EOW ने जांच भी शुरू कर दी। तो UPPCL के जो कर्मचारी हैं उनका PF का पैसा फंसा हुआ है, कैसे निकलेगा, राजनीतिक रूप भी इस पूरे मामले ने ले लिया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं, दिनेश सिंह यादव जी प्रसपा से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय निगम जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच हैं, अभिषेक मिश्रा जी एडवोकेट के तौर पर हमारे साथ हैं और अरविंद विद्रोही जी सामाजिक चिंतन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी UPPCL के जो हैं उनका PF का पैसा अब सुरक्षित नहीं है, किसी भी अब सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका PF का पैसा जब सुरक्षित नहीं है तो हम बाकियों से कैसे उम्मीद करें कि बाकी चीज़ें सही चलती रहेंगी। देखिए हिमांशु जी, इस बात के लिए आपको जरूर सरकार की तारीफ करनी होगी कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, जैसे ही ऊर्जा मंत्री जी ने CBI की जांच की मांग की मुख्यमंत्री जी ने पलक झपकते उसकी स्वीकृति दे दी और इस पर CBI जांच हो रही है। और इस मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका बीजारोपण जो है वो पिछली सरकार ने की। 21 अप्रैल 2014 को एक बैठक हुई जिसमें ये निश्चित किया गया कि जो GPF और CPF का पैसा है उसको उन जगहों पे निवेश किया जाए जहां ज्यादा ब्याज मिले, ज्यादा मुनाफा हो इसका। और सरकार अभी हमारी बनी भी नहीं, हम जीत के आ गए और जब तक की हैंडओवर शपथ ग्रहण नहीं कर लेती तब तक नई सरकार नहीं बनती। ऐसी क्या अफरा तफरी थी कि 17 मार्च को इन अधिकारियों ने DHFL में निवेश किया, ये सबसे पहला प्रश्न है कि 17 मार्च 2017 इसमें इनको ऐसी क्या अफरा तफरी थी। दो दिन बाद शपथ ग्रहण होना था, सरकार बनती, उसके बाद कुछ निर्णय, लेकिन इतनी अफरा तफरी क्यों रही? उसके बाद तो आपकी सरकार आ गई। हाँ, उसके बाद हमारी सरकार, जब नई सरकार आनी थी तो ऐसी क्या अफरा तफरी थी कि जब कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नहीं आचार संहिता लगी होती है, उसके बावजूद इसका निवेश क्यों किया गया, ये आश्चर्य की बात है। शबनम जी, पहला निवेश आ गई ना, पहला निवेश देखिए इन्होंने 17 दिसंबर 2016 को किया था, वो शायद PNB में किया था, और दूसरा अफरा तफरी में। दूसरा निश्चिंत है ये कि फिर से सपा सरकार आएगी, जरूर कोई साठगांठ होगा, तो इसलिए ये अफरा इनको नहीं जल्दबाजी थी। लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी जीतती है इन्हें लगा सरकार बदल रही है, तो इन्होंने अफरा तफरी में 17 मार्च को किया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये अंधेरे में रखते रहे और अंदर खाने ये सरकार को धोखा देते रहे अधिकारी वर्ग,
और इसमें कहीं ना कहीं बार बार लिंक ऐसा लग रहा है पिछली सरकार की है, क्योंकि अधिकारियों को क्या जल्दबाजी थी सरकार बनने के पहले DHFL में निवेश करने की, तो और लेकिन हमारी सरकार को जैसे ही 10 जुलाई को संज्ञान में आया सरकार ने तुरंत जांच शुरू कर दी। अच्छा, सरकार बनने से तुरंत पहले ये सारी चीजें हुई, उसके बाद सरकार बनी और आज 2.5 साल हो गए हैं, उसके बाद ये चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, इसकी जांच ऐसा नहीं है कि 10 जुलाई को जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया सरकार ने जांच शुरू कर दी थी, और जांच का सोचिए 2 साल तक आपको भनक तक नहीं लगी, 2 साल तक आपको भनक तक नहीं लगी में आने के बाद नहीं, ये देखिए आपके अधिकारी किस तरह के काम कर रहे हैं, 2 साल तक आपको भनक नहीं लगी इस सारी चीज की। देखिए, जब हम जांच करा रहे हैं, अब किसने कहां क्या गलती की है, जरूर कहीं ना कहीं अधिकारियों की और पिछले सरकार की सांठगांठ है इसमें, इसकी बू लगातार आ रही है, क्योंकि 17 मार्च मात्र 2 दिन पहले निवेश करना ये सबसे अच्छा, वो भी अधिकारियों से नहीं पता चला। अब मैं आपको बताता हूं, 10 जुलाई को गुमनाम व्यक्ति की एक शिकायत मिली, जिसके बाद 12 जुलाई को पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने जांच कमेटी का गठन किया। मेरी बात सुनिए, अधिकारी भी आपके अंडर उसमें काम कर रहे हैं ना। 12 जुलाई को पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने जो है एक जांच कमेटी बनाई, उसके बाद 29 अगस्त को जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई, 29 अगस्त के बाद 10 तारीख को पिछली 10 तारीख को कार्रवाई की गई। 2 महीने तक जो इस बीच का वक्त था उसमें क्या हो रहा था, क्या चीजें की जा रही थी, मैं आपको बता रही हूँ। 10 जुलाई को गुमनाम शिकायत आई, 12 जुलाई को जांच समिति गठित हो गई, 29 अगस्त को रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद फिर उस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता चला कि 99% से अधिक जो है इन्होंने निवेश किया, जिसमें 65% 2 महीने में किसी को बचाया जा रहा था क्या कि सेटलमेंट हो जाए, क्या क्या चीजें चल रही थी इन 2 महीने? रिपोर्ट आपके पास आ गई, रिपोर्ट में कहा गया कि अनियमितताओं की बात स्वीकारी गई, उसके बाद की भी बात बता रही हूँ। 10 अक्टूबर को फिर जो अनियमितताएं हुई थी उसको देखते हुए 77 विंग को ये दिया गया, और 10 अक्टूबर को ही पीके गुप्ता जो महाप्रबंधक वित्त थे उनको निलंबित कर दिया गया। फिर सिर्फ इतना सवाल है मेरा कि आपके अधिकारी ऐसा करते रहे आपकी नाक के नीचे, आपको भनक तक नहीं लगी? देखिए, जांचें तो हो रही थी, कहां पे क्या लैप्स है, कहां क्या गड़बड़ी किया, किस तरीके से पिछली सरकार के साथ मिलके इन अधिकारियों ने मैं, क्या घोटाले किए, दूध का दूध, मैं सीएम योगी आदित्यनाथ पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, ना ही ऊर्जा मंत्री के जो है जो उन्होंने बातें की उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। सवाल ये है कि सरकार की नाक के नीचे ऐसा होता रहा और सरकार को पता नहीं चला। सरकार को पता चला तभी तो सीबीआई जांच में जा रही है, नहीं तो अगर सरकार को संरक्षण सरकार को कहां पता चला? अगर तो गुमनाम अगर कोई गुमनाम व्यक्ति 10 जुलाई को अगर गुमनाम कोई व्यक्ति 10 जुलाई को 10 जुलाई को अगर कोई गुमनाम शख्स अगर इस बात की रिपोर्ट नहीं करता तो आपको अभी भी पता नहीं चलता? ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलता। 2 साल में पता चला क्या? 2 साल में पता चला? नहीं पता चला ना। देखिए, जांचें तो हो ही रही हैं। क्या जांचें हो रही हैं? 2 साल में जांचें होती रही, लेकिन सीबीआई जांच। अच्छा, ठीक है आप पे आता हूँ। ठीक है और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, प्रसपा से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, दिनेश सिंह जी। तब तो आपकी ही सरकार थी, अब प्रसपा बहुत जो है समाजवादी पार्टी की बातें करती है कि वो उसने ये किया वो किया, उस वक्त आवाजें क्यों नहीं निकल रही थी जब ये सारी चीजें चल रही थी? 2014 में ये पूरा मामला शुरू हुआ था, क्यों नहीं? निश्चित रूप से देखिए, उस सरकार में ऊर्जा मंत्री उस सरकार में नहीं, तब आपकी भी आप भी उन्हीं में शामिल थे, आप भी उन्हीं में शामिल थे, इस बात को मत भूलिए। पहले हमारी ठीक है बताइए कि जो भी जिम्मेदार था उस सरकार में चाहे इस सरकार में, वो तो सरकार चली गई, और उस सरकार में जो लोग सरकार क्या करके गई, क्या सरकार करके गई उस चीज को नहीं कहेंगे? नहीं, जो सरकार सरकार करके बदल गई तो पाप धूल थोड़ी ना गए। उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी और केंद्र की सरकार बनी इसी मुद्दे पर बनी थी, आपको ध्यान होगा तो। मैं कहना चाहता हूँ इसका मतलब आप कुछ भी करके गए हो, सब धोती रहे भारतीय जनता पार्टी। नहीं नहीं नहीं, 20 करोड़ का गिफ्ट आपने लेने का काम किया, और जिस तरीके से 2014 से लेकर के 2019 के बीच पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 सितारा कार्यालयों को देख लीजिए। अरे कहाँ पहुंच गया, मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ पहुंच गया आपके पास जवाब नहीं है।
इस बात को मानिए कि आपके पास जवाब नहीं है, इस बात को मानिए कि आपके पास जवाब नहीं है इस चीज का। दिनेश जी इस बात को मानिए कि आपके पास जवाब नहीं है इस चीज का। क्यों नहीं है जवाब? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने जिन अभी भ्रष्टाचार, नहीं समाजवादी पार्टी में आप भी थे ना, समाजवादी पार्टी में आप भी थे ना, समाजवादी पार्टी से अलग थे आप। नहीं समाजवादी पार्टी क्यों नहीं किया? दिनेश जी मेरी बात बताइए, दिनेश जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर आकंठ। अरे दिनेश जी मेरी बात सुन लीजिए दिनेश जी सवाल जो शबनम जी एक मिनट जो वाजिब सवाल है वो मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया है। आप अपनी बात रखिए कि आपकी सरकार थी, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज प्रस्पा अलग हो गई है तो समाजवादी पार्टी कुछ भी करती है तो आप सवाल खड़ा कर देते हैं, तब क्यों अंदर से ये आवाजें नहीं निकल रही थी? तब क्यों गुमसुम होके जो है बैठे हुए थे? सहयोगी थे ना बराबर के, इसीलिए। नहीं नहीं, तो देखिए एक चीज बता दें, जो चीजें हुई हैं ठीक उन्हीं चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने काम किया। हम उसमें, अरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी का सवाल दूसरा है। आपसे आपकी पार्टी का सवाल पूछ रहा हूँ मैं। पास वो मंत्रालय नहीं था, उसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। हाँ ये जरूर है कि जो चीजें हुई हैं 17 मार्च सरकार उसके बाद 2014 में शुरू हुआ ना ये DHFL में जमा करने का कार्यक्रम। वो विभाग हमारे पास नहीं था, जो विभाग हमारे पास हमारे नेता के पास थे उससे संबंधित चीजें होंगी तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन आप, मैं कहना चाहता हूँ जो ये चाचा भतीजा जो है अलग थे क्या? जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री का बयान आता है आपके पक्ष से, मैं सहमत नहीं हूं। अखिलेश यादव को लेकर के और मायावती को संरक्षित करते हुए प्रियंका गांधी पर निशाना साधने का जो इन्होंने, अरे ठीक है राजनीति इधर उधर मत ले जाइए। अरविंद जी किस तरह की चीजें चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर चीजें हम स्वीकारे तो कम से कम चीजें सामने हैं, फिर भी स्वीकार नहीं रहे ना, दोनों दल नहीं स्वीकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो पिछली सरकारों का था तो 2 साल तक क्या करते रहे ये भी नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो सरकार है मौजूदा सरकार कुछ कार्रवाई कर तो लेती, 2 साल तक क्यों नहीं किया? हिमांशु जी आज श्रीकांत शर्मा जी का जो संबोधन रहा है ये है, ये दो वर्तमान घटनाचक्र दो चीज को संबंधित है, एक राजनीतिक कदाचरण और एक आर्थिक भ्रष्टाचार। जो आर्थिक भ्रष्टाचार की बात है, शबनम पांडे जी बैठी हुई हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा की, शायद 30 या 31 तारीख को एक डिबेट में हम लोग साथ में थे दूसरे चैनल पर, मैंने बिजली विभाग के बारे में कहा था कि ऊर्जा मंत्री को इस मामले में पिछली 2 सरकारों का और इस सरकार का 2.5 साल का श्वेत पत्र लाना चाहिए, उस दिन मैंने कहा था। और इसके साथ साथ ये तो अभी DHFL का आया है, मीटर खरीद में जो बंदरबाट और घोटाला पिछली 2 सरकार और वर्तमान सरकार ने किया है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में शुचिता की और सौम्यता की प्रतीक पार्टी मानी जाती थी। आज जो श्रीकांत शर्मा जी ने बोला है कि सिर्फ होमवर्क करते हैं विपक्ष के लोग, मैं कहना चाहता हूं नहीं करते हैं। श्रीकांत शर्मा जी ग्राउंड वर्क नहीं करते और जनपक्ष से कोसों दूर हैं। सहजादा सहजादी बोले हैं प्रियंका गांधी को और अखिलेश यादव जी को, वंशानुगत राजनीति के खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने जो मुहिम शुरू की थी मोदी जी ने नामदार नाम से उसको संबोधित किया, इनके बगलगीर मंत्री जो अरविंद जी अब स्थिति मैं अभी पर ही आ रहा हूं। जब तक आप ग्राउंड नहीं समझेंगे इनका इनकी मनसा नियत समझिए तब इनकी नियत आपको समझ में आएगी। किसकी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की नहीं, समूचे सत्ता पक्ष की। सत्ता थे अभी सत्ता है, सत्ता का खेल तो पर्दे के पीछे हो रहा है। सिंह को क्या इन्होंने अगस्त में बच्चे मरते कहा कि ये नामदार हे सहजादे तुम ये बकवास मत करो? विपक्षी दल को आप कह देंगे कि वो सहजादा सहजादी है। ये राजनीति आपको ये संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिखाया है। ये मथुरा के रहने वाले हैं लेकिन ये दिल्ली कल्चर, ये राजनीति के साइबेरियन पक्षी उत्तर प्रदेश की राजनीति को नीचे लेते जा रहे हैं। आपकी स्थिति क्या? आप क्या समझ पा रहे हैं? मैं बता रहा हूं ये जो सत्ता की मलाई मंत्री लोग खाते हैं उसका नतीजा है। ये 2014 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ पत्रकार इस पर पूरी रिपोर्ट छाप चुके हैं, देश के बड़े अखबार ने छापा। अभी 4 दिन पहले एक डिबेट में मैंने बोला, लगातार 2 दिन बोले, सुनता कौन है? जो सत्ताधीश रहते हैं उनकी आंखों में पट्टी बन जाती है, वो अपने लोगों की नहीं पूछ। आप पूछ रहे हैं प्रसपा के साथी से, वो बता नहीं रहे क्योंकि प्रवक्ताओं की मजबूरी है। लड़ाई किस बात की?
लड़ाई तो सत्ता में जो मलाई आ रही है उसकी लड़ाई है, उसी वही 20 करोड़ की मलाई आज बतावे, आज बताना चाहिए श्रीकांत शर्मा को कि वो 2.5 साल में रिवर फ्रंट का भी नाम हुआ, रिवर फ्रंट के घोटाले, पीडब्ल्यूडी के घोटाले, ग्राम विकास के घोटाले, सिंचाई विभाग के घोटाले और बिजली विभाग के घोटाले बाद 2.5 साल से बचे क्यों थे, इनकी जिम्मेदारी। इसका जवाब शबनम जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं विजय जी आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे पीएफ जो घोटाला हुआ है, जो कर्मचारियों की क्या गलती है कि उनका पैसा फंस गया है, कर्मचारियों की क्या गलती है कि वो इन सारे पचड़ों में पड़े, क्योंकि हमने बैंक घोटाला देखा उसमें भी किसी की गलती नहीं थी, वहां पे लोग जो है तख्तियां लेके अपना काम काज छोड़ के खड़े हुए थे, ये भी हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, आम लोग परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, सत्ता एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप थोप रही है। मानसु जी, सबसे पहले मैं जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे भारतवर्ष का जितना प्रबुद्ध वर्ग है वो इतने निरीह हो गया है, गुलाम हो गया है कि नेताओं के इशारों पर काम करता है। मतलब आईएएस बन तो गया है लेकिन उसको प्रमोशन, उसको अपनी पोस्ट और इसकी लालच बनी रहती है, वो भारतवर्ष के लिए अच्छा कार्य करना नहीं चाहते। और ये सरकारें जो आम आदमी के पैसे को सुरक्षित नहीं रख सकती हैं, ये कैसे भारतवर्ष के नेता हो सकते हैं, हम इन्हें कैसे लीडर मान सकते हैं। पहले देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर विभाग में चीफ सेक्रेटरी होता है, और इन्होंने बताया कि एमडी और चेयरमैन को पावर होती है कि किसी वो पैसे को किसी भी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते थे। तो क्या एमडी और चेयरमैन ने प्रमुख सचिव को इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसके बारे में, और दी तो फिर उस समय के तत्कालीन जो मंत्री थे, इस ऊर्जा मंत्री, उनको सूचना गई या नहीं। भाजपा दो दिन में, जैसे बता रहे हैं 17 मार्च 2017 से ट्रांसफर शुरू हुआ था, भाजपा उसी के तुरंत बाद बनती है, ये मंत्री बन करके बैठ जाते हैं, इनको अपने सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी ने इनको, चीफ सेक्रेटरी ने क्या बताया ही नहीं, और इन्होंने जानकारी क्यों नहीं ली। कारण ये हो गया है कि बाहुबली धनबली केवल नेता बन रहे हैं, आम आदमी अगर प्रभु से कोई व्यक्ति बने, नेता लीडर बने, यहां तो केवल धन कमाने के लिए, राजनीति को केवल और केवल जो है व्यवसाय बना रखा है, इसलिए आम आदमी का पैसा सुरक्षित नहीं रहता है। चाहे जो सरकारें हों, भाजपा ही चाहे, जितना मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा में बड़ा ये होता है कि बड़े हम आरएसएस के हैं और वो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को जो मिलता है, यहाँ के अधिकारी तक, मुझे कई अधिकारियों से मेरी बात होती है, वो बताते हैं कि ऊपर से मंत्री को पैसा नहीं जाता तो वो टाइट कर देते हैं, ट्रांसफर करने का उसको नीचे हटा देंगे। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, कारण क्या है? टाइट कर रहे हैं लेकिन अधिकारी कहाँ बस में है, सुनिए बता तो रही है शर्मा जी की कुछ हमको जानकारी ही नहीं थी इतने दिन से। मेरी बात तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इतने बड़े प्रबुद्ध, इतने बड़े प्रबुद्ध बताइए जो कि प्रमुख सचिव बने हुए हैं और वो आईएएस हैं या एमडी बने हुए हैं, उन्हें कहीं दर्द नहीं होता कि ये पैसा मैं आम आदमी का कहाँ लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, ये कहाँ गायब हो जाएगा, जवाबदेही क्या होगी? क्योंकि कारण यह है जो अभी हमारे प्रतिपक्ष के बोल रहे थे कि इतने इतने घपले हुए, उनका भाजपा सरकार ने किसी भी घपले में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दिलाई। क्या ये सब मिले रहते हैं एक दूसरे से, बस नाम को, जब उनकी सरकार होती है तो ये बोलने लगते हैं, इनकी सरकार होती है तो ये बोलने लगते हैं, देश को लूट रहे हैं और अपना। लेकिन मैं ये पैसा जमा करना सही नहीं था, लेकिन बावजूद इसके 2017 से 2019 हो गया, 19 खत्म होने को आया, 2020 आने वाला है और ऐसे में अब चीजें खुल रही हैं और सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों पर दोषारोपण हो रहा है या फिर चीजें जो है उन पर मढ़ी जा रही है। इसको लेकर जो है हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, अभिषेक मिश्रा जी एडवोकेट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक मिश्रा जी, किस तरह का पेच आप पा रहे हैं, राजनीतिक पेच पा रहे हैं या फिर कहीं चीजें जो अधिकारियों ने नहीं बताई या फिर अधिकारियों ने कहीं फंसा रखी, किस तरह की चीजें आप पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये तो भ्रष्टाचार का तो केस है ही है, हर कोई जानता है। समस्या ये है कि ऑफिसर जो होते हैं ये हमेशा अपनी जगह पर बैठे होते हैं, नेता आते जाते रहते हैं, सत्ता बदलती रहती है, सरकार बदलते रहते हैं, तो ये अधिकारी अपने हिसाब से फाइलों को पास करना, फाइलों पर रिपोर्टिंग करना, जो कुछ है सारा काम करते अधिकारी हैं। संतुति देती है सरकार, जो भी तत्कालीन मंत्री होता है, जो भी सरकारें होती हैं, उनकी मंशा क्या है उस हिसाब से जो होते हैं। तो ये अधिकारी जब अपने फैसिलिटीज के लिए जब इनकी डीलिंग हो जाती है या उस पर, तब जो है
ये उस हिसाब से मिसलीड करते हैं अपने मंत्रियों को, अपने विभाग के बैठे लोगों को, नेताओं को, और उसी हिसाब से सब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको लग रहा है सवाल ये मंत्री जी को कोई उनको धोखे में रख सकता है? आपको लगता है मंत्री जी की जो ताकत है वो क्या है, इतनी कम है कि उनको कोई जो अधिकारी नीचे बैठा हुआ है वो उनको मिसलीड कर सकता है? बस आपको लगता है? जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यही चीज मैं आपको, ये चीज हल्क से नहीं उतरती है कि एक मंत्री जो विभाग में बैठा है, जो सारी चीज देख रहा है, समझ रहा है, जिसके पास सारी रिपोर्टिंग है, और मंत्रियों और अधिकारियों के तो और भी तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो में तमाम हाथ होते हैं इन्फॉर्मेशन के, जिनके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिला करती है, उनको के सामने से इतनी बड़ी चीज बिना उनकी जानकारी के चली जाए, ये चीज जल्दी मुझे समझ में नहीं आती कि बिना उनकी जानकारी के, बिना उनका शेयर, बिना हिस्सा लगाए हुए इतनी सारे बड़ा घोटाला हो जाता है, और बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री और सारे नेता विधायकों को पता नहीं लग पा रहा है, ये चीज मुझे नहीं समझ में आती है। दूसरी चीज जो बात हुई है कि निवेश की, जो बात कही जाती है कि ये तय हुआ 2014 में कि निवेश किया जाए DHFL में, और निवेश की पहली निवेश किया गया 17 मार्च 2017 को, और मई में सरकार बन जाती है 2 महीने बाद, और 2 साल तक इस सरकार को यह नहीं पता है कि विभाग का पैसा कहां लगा हुआ है। 2 साल तक आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका पैसा कहां लगा है, आपको जानकारी नहीं है, और जब जानकारी मिलती है एक गुमनाम पद से जिसको कॉर्पोरेशन अपनी इंक्वायरी कराता है इंटरनल, और कॉर्पोरेशन की इंक्वायरी जब जुलाई में शुरू होती है तो अगस्त में उसकी रिपोर्ट आती है जिसमें होता है कि प्रमाफसाई इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन के एविडेंसेस हैं। अगस्त से लेकर अब तक 10 अक्टूबर तक सरकार एकदम से चुप 2 महीने तक। क्यों चुप थे आप? आप तो कह रहे हो कि हमारा कोई रोल ही नहीं, हमने बहुत एक्शन लिया है और CBI जांच के लिए कर दिया। ये जनता का यही दुर्भाग्य है, यहां नुकसान होता है जनता का, पैसा जाता है जनता का, कर्मचारियों का, और आप बैठ के सिर्फ जांच पे जांच और जांच पे जांच जांच करते रहेंगे। आधी सरकार आपकी चली जाएगी, समय बीत जाएगा जांच में, उसके बाद आधा समय जो बचेगा वो अदालतों में बीत जाएगा, मुकदमेबाजी में बीत जाएगा, आप अपने सर से पोड़ा उठाएंगे, दूसरी की सरकार आएगी। मुझे लगता है हिंदुस्तान में चलता रहेगा, मुझे तो ये लगता है हिंदुस्तान में आधा वक्त जो है जांच में जाता है और आधा वक्त चुनाव में निकल जाता है। शबनम जी क्या कहेंगी? देखिए, जबरदस्ती जो वर्तमान सरकार है उस पर इसका ठेकरा मत फोड़िए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो संदिग्ध लग रहा है 17 मार्च का है कि क्यों अफरा तफरी में अच्छा, ऐसे काम किए गए। कितने साल हो गए सरकार अधिकारियों के नेक्सस ऐसे थे जिन्होंने इस बात को पूरी तरीके से, और देखिए जो GPF का पैसा है वो ऑनलाइन उस वक्त तक इन सब चीजों को नहीं किया। इंटरप्ट करने वो सिर्फ एक प्रश्न मेरा है सबनम जी से कि क्या 2 साल पहले जो अधिकारी मार्च में बैठे हुआ था 2017 में बैठा हुआ था आपके सरकार आने के बाद वो बदला नहीं गया, वही अधिकारी था? और अगर आपका सरकार था, आपका अधिकारी था, तो उसने आपको आपके साथ ऊपर रख दिया, मतलब आपका अधिकारी आपको सुन नहीं रहा है और आपका चला रहा है। देखिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं आपका और मेरा या किसी और का अधिकारी नहीं, सरकार है उसका होता है, ये आप है। नहीं कह सकते तो कि सरकार की है, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि हम आए तो हम ये सोचे। अच्छा शबनम जी बताइए, शबनम जी सीधा सा सवाल क्यों हटाएंगे? प्रोसेस के थ्रू। अच्छा शबनम जी, मेरा एक सवाल, शबनम जी शबनम जी मेरा एक मिनट, अभिषेक जी रुक जाइए एक मिनट। कोई भी सरकार आती है, जब भी सरकार बदलती है हर विभाग के, अभिषेक जी आऊंगा मैं आपके पास, एक मिनट रुक जाइए अभिषेक जी एक मिनट रुक जाइए। तबादले होते हैं शबनम जी अधिकारी हटा। अच्छा ठीक है शबनम जी, एक बात बताइए मुझे, DHFL में पैसा जमा करना सही नहीं है, इस बात की भनक अब लग रही है आपको 2017 में, जबकि इस चीज में निवेश हुआ, अधिकारियों ने आपको जानकारी नहीं दी या फिर जो भी चीजें थी। लेकिन एक चीज होती है मॉनिटरिंग, हर चीज का ऑडिट होता है, मॉनिटरिंग होती है, हर साल होती है, 2 साल 2.5 साल गुजर गए, 2-2.5 बार तो कम से कम हो ही जाना चाहिए था ये सारी चीजें, तब ये चीजें खुल के सामने आ जाती। हिमांशु जी, अगर हमारी सरकार को कुछ छिपाना होता, नहीं मैं सरकार तो पे, मैं नहीं, सरकार मैं आपको पे क्लियर बता रही हूं, अगर देखे, छिपाना देखे, नहीं, होता, नहीं 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 हमारी सरकार पे, मैं सरकार की मंशा पे मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ में नहीं है, मैं सरकार की मंशा पे सवाल खड़े ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अधिकारी आपके ऐसे हैं जो आपकी सुन ही नहीं रहे, आप तक सही पहुंचा ही नहीं रहे,
किस तरह से काम करेगी सरकार, फिर बताइए अपने मन से काम करवा लेगी आप। प्रदेश में जिस तरह की सरकारें रही, अधिकारी कोशिश करते रहे हम उसी पद चिन्हों पे चले, पर जब सीबीआई जांच होके दूध का दूध पानी का पानी होगा तो जो मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। नहीं नहीं, या पूर्व की सरकार में जो संलिप्त, पूर्व की सरकारों में क्या हुआ, पूर्व की सरकारों में हुआ, आपने पकड़ के कितने लोगों को जेल भेज दिया हमको जरा बताइए, फिर हम पूछेंगे सवाल। किसी को अब लीजिए इसका जवाब भी नहीं है आपके पास। दूसरे दिन जेल नहीं जाते, उस पर जांच होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही करिए, जांच और चुनाव में ही पूरा, जांच और चुनाव में ही पांच साल निकलते हैं सभी जानते हैं। विजय जी ठीक है, ठीक है विजय जी, ठीक है ठीक है, एक मिनट विजय जी, आ रहा आ रहा हूँ, आप चिंता। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए दिनेश जी, दिनेश जी किया जाता है तो ये लोग ही उनके साथ समर्थन में जाता है। करिए ना आप बात करते हैं, क्या इस बात पे चर्चा हो रही है? अच्छा शबनम जी क्या इस बात पे चर्चा हो रही है? ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको बचाने के लिए। दिनेश जी थोड़ा पानी पी लीजिए, नहीं तो आपसे पूछूंगा तब आपकी जो है आवाज जो है फिर नहीं निकलेगी। विजय जी किस तरह से अपना, हम बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं, इस बात को साबित करने के लिए कुछ भी जो है हम तर्क देते रहेंगे, लेकिन बातें सामने उस चीज को स्वीकारने में दिक्कत है। मानसु जी अभी आपने एक शब्द यूज किया था कि क्या कोई अधिकारी अपने मंत्री को मिसलीड कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, कारण यह है कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। हमने बताया ना, इन लोगों ने, राजनेताओं ने राजनीति को व्यवसाय बना रखा है, तो सब जब सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, मान लीजिए मैं चीफ सेक्रेटरी हूं किसी मंत्री का और ये हमारे साथ में सहयोगी बैठे हुए हैं, ये हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो हम मंत्री जी को समझा दे रहे हैं कि भैया ये ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, और मंत्री जी हमारी बात केवल समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतना दिमाग है ना तो इतनी सोच है कि मतलब हम इस बात को फाइंड आउट करें नीचे स्तर तक कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्यों ऐसा काम गड़बड़ हो रहा है, केवल हमारा अधिकारी ऐसे कर रहा है तो हम मान ले रहे हैं। कारण ये सब चीजें जो हैं यही केवल और केवल, कोई भी राजनीतिक दल आए, ये सारी जो भाजपा में भी बनते तो ये लोग बहुत अच्छे थे और हम लोग भी मानते थे कि भाई भाजपा है बहुत अच्छी है और सब कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन जो यहाँ सरकार चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, श्रमिकों के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ एक बात और, कि आज तक जो ग्रेजुटी का अधिनियम बन चुका है लेकिन श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी ग्रेजुटी के लिए, यहाँ कितने विद्यालय हैं, कम से कम नहीं लखनऊ में ही 200 विद्यालय हैं और कितनी संस्थाएं हैं, किसी को इन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया आज तक इनकी सरकार, कि भाई श्रम मंत्री हो या कोई भी, कि भाई ग्रेजुटी का आपको देना है, आपने कोई व्यवस्था की, आपने LIC ली कोई जमा की, तो ये कहीं कुछ नहीं। एक्चुअली राजनीति क्या हो रही है, राजनीति इतनी गिर गई है, गिरावट आ गई है कि ये लोग केवल बाहुबल, धन बल और सोर्स, कि मैं उसका पुत्र हूं तो मैं MLA हो गया, मैं मंत्री हो गया, इन्हें आम जनता से कुछ नहीं, ये तो केवल व्यवसाय कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें IAS प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं तो मैं ये सोचता हूं, और ये देखिए IAS लोगों की कितनी गिरावट आई है, कि अभी इन्होंने माननीय श्रीकांत जी ने एक बयान में कहा कि भाई वो मुख्यमंत्री के अखिलेश जी के इशारों पर ऐसा काम हुआ, कैसे हुआ भाई अखिलेश जी के, तो इसका मतलब है कि जो IAS जो प्रमुख सचिव हैं उनका इतना अपना गिर चुका है कि वो उनके इशारों पर कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं। एक चीज बड़ी अच्छी निकल के सामने आई कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो ऊर्जा मंत्री हैं या फिर जितने भी मंत्री हैं उनको IAS PCS जो अधिकारी बैठे हुए हैं वहां पे, वो अगर उनसे चीजें छुपा सकते हैं तो अखिलेश सरकार में भी छुपा सकते हैं। बिल्कुल, और जब अखिलेश सरकार में छुपा सकते हैं तो हम जब अपने मंत्रियों को सेव कर रहे हैं तो उनके मंत्रियों को क्यों नहीं सेव करते हैं? क्यों दिनेश जी बताइए, जब हम ये कह सकते हैं कि हमारे मंत्री जी को पता नहीं था या फिर हमें चीजें नीचे वाले लोगों ने बताई नहीं, तो हो सकता है आपकी सरकार में भी नीचे वालों ने ना बताई हो ऊपर वालों को, चीजें हो गई हो। निश्चित रूप से आप अपने आप को सेव करने के लिए ये भी कह सकते हैं ना जी। भाई साहब एक बात कहे थे कि साइबेरियन पक्षी, तो निश्चित रूप से साइबेरियन पक्षी के रूप में जिस तरह से दिल्ली की राजनीति करने वाले द्वय लोगों ने, जिनकी चर्चा उन्होंने किया, दिनेश जी आप इधर उधर चले जाते हैं, एक तो मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे मुझे मुद्दे पे बात चाहिए कि ये बताइए कि आप इस बात पे सेव करिए ना अपने आप को कि हमें भी नहीं पता था। जब सत्ता को कुछ पता ही नहीं रहता है, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही सारी चीजें चला रहे हैं, तो फिर आपको जनता ने चुनकर क्यों भेजा है? इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स वो तो पढ़े लिखे हैं,
नहीं देखिए वही सारी चीजें चला रहे हैं जो जो निर्णय हुआ सरकार का ना आपकी सरकार को कुछ पता चला ना मौजूदा सरकार को कुछ पता चल रहा था क्या हाँ तो अगर जिन लोगों ने निर्णय लेने में जो भी कोताही की या गलतियां जिनके कारण ऐसा निर्णय हुआ और उस निर्णय को जारी रखने का प्रयास जिस सरकार में लगातार 2.5 वर्षों तक हुआ और जान नहीं पाए ये कितनी दुर्भाग्य की बात है उन दोनों के खिलाफ दुर्भाग्य की बात तो ये भी है कि आपके में ऐसा हुआ दुर्भाग्य की बात ये भी है अच्छा अपने पिछली सरकार में अच्छा सिर्फ अच्छा दिनेश जी मेरी बात सुनिए अगर सिर्फ अपनी सरकार की अगर दोनों लोग जो है बात कर लें आप अपनी सरकार की कर लें और शबनम जी अपनी सरकार की बात कर लें तो चीजें आपके लिए पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि आप दूसरों पर वो पिछली सरकारों पर और जो पिछली सरकार है वो आप पर कुछ है ही नहीं आपके पास कहने के लिए उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई 2.5 साल बीत गए उसकी जांच करने कराने आपके में शुरू क्यों हुआ आपकी सरकार में शुरू क्यों हुआ हम ये भी सवाल तो पूछ सकते हैं आपकी सरकार थी कि नहीं बताइए समाजवादी पार्टी में आप थे कि नहीं आ रहा हूँ ठीक है उसके अंग थे चलिए ठीक है क्या कह रहे थे सर हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिपक्ष जब कोई वर्तमान सरकार से कोई भी गलत कार्य हो जाता है तो बड़ी तेजी से घेराव करने तो क्या राजनीति ये सिर्फ विरोध के लिए ही करते हैं यहाँ चिल्लाने के लिए टेलीविजन में ये इन्होंने इनका दायित्व तो नहीं था कि ये भी सारी चीजों पर अपने ऐसे लीडर्स तैयार करें जो इन्वेस्टिगेट करें ये पत्रकारों से बात करें कि जो विभागों में कहाँ गलतियां हो रही हैं ये हावी रहें ये तो इस तरह के नहीं करते जब कहीं से कोई बात खुलकर आ जाती है तो चैनलों में चिल्ला देते हैं और चले जाते हैं इससे राजनीति नहीं ये तो सो ही नहीं होता कि आप वर्क ही नहीं करते हैं आप अगर देश के हित में अगर कर रहे होते आम जनता के हित में बोल रहे होते तो आपका भी कहीं डायरी होती आपने भी कहीं किसी चैनल में जैसे भाई साहब ने कहा हमने पहले भी बताया कि ये मीटर रीडर उसमें घपला हुआ तो ये वही लोग बोल पाएंगे जो राजनीति नहीं कर रहे हैं जो देश का हित चाह रहे हैं आम जनता के बारे में चाह रहे हैं अरविंद जी हित तो कोई चाह नहीं रहा हित तो सब अपना चाह रहे हैं और पैसा कैसे बने इस बात के लिए ब्यूरोक्रेट्स अगर साथ में आ जाएं तो उनको रख लेंगे नेताजी साथ में आ जाएं सबको रख लेंगे लेकिन क्या आपको लग रहा है शुद्ध तरीके से राजनीति भी हो पा रही है राजनीति भी नहीं हो पा रही है एक दूसरे पर राजनीति में भी आरोप प्रत्यारोप ऐसे मढ़े जा रहे हैं जैसे हम तो बड़े साफ छवि के हैं 2 साल तक हमको कुछ पता ही नहीं चला आपकी सरकार में जो कुछ हुआ वो सब आपको पता था हमको कुछ नहीं पता था लेकिन हिमांशु जी नेता अपराधी और भ्रष्ट नौकरशाहों के दुष्चक्र भरे गिरोह ने लोकतंत्र की आत्मा को छलनी छलनी कर दिया है और रही बात IAS की वो कहता है IAM सेफ नौकरशाहों के मकर जाल से निकल के राजनीतिज्ञों के नौकरशाहों के करतूतों को सार्वजनिक करना चाहिए मेरी आपके माध्यम से मांग है चैनल के माध्यम से कि उस जो DHFL का में घोटाला हुआ है उसका प्रस्ताव देने से लेकर के अभी ऊर्जा मंत्री के जिम्मेदार लोग जो उसकी सूचना नहीं दे पाए सबको विधिक रूप से योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री दंडित करें और एक गैर जिम्मेदाराना ऊर्जा मंत्री जो जिसको उसके मातहत वो रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं मोदी की सरकार योगी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखरित बात कहती है हम लड़ेंगे और दुर्भाग्यवश 2.5 साल पूरा होने पर ऊर्जा मंत्री और भाजपा के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि हमको 2.5 साल बाद मालूम चल रहा है इससे ज्यादा शर्मनाक योगी और मोदी सरकार की उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष की नहीं है कि योगी जी और मोदी जी के नीतियों के खिलाफ जिस तरह पहले सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री गए थे उसी तरह श्रीकांत शर्मा चले गए इस पर भाजपा नेतृत्व ध्यान दे कि ये जो बाहर के लोग हैं और ये सर्वजित है जनपक्ष है अगर बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहे तो जो बाहर का मैं बता रहा हूं कि भाजपा में सुपर चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं जैसे अखिलेश यादव को कहा जाता था 4 लोग 4.5 मुख्यमंत्री है मैं कह चुका हूं पहले भी क्या क्या 100 करोड़ मिलकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार चला रहे हैं अगर वो सैफई परिवार चलाता था तो ये संघ परिवार चला हमको परिवार से मुक्ति होकर के कम से कम बचे हुए 2.5 साल में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री जैसे वो कहते थे योगी के एक हाथ में भाला और दूसरे में माला होती है वो स्वरूप लेकर के योगी आदित्यनाथ आ जाएं और ये जो जनता का माहौल उड़ाने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह श्रीकांत शर्मा सरीखे लोग हैं इनको हटावे मंत्रिमंडल से जनता ने 24 सीट दी है 2-4 लोगों को हटावे ठीक है अभिषेक मिश्रा जी इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि सरकारें ये कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हमसे ज्यादा होशियार हैं हमसे चीजें छुपा ले जाते हैं
कितनी हास्यास्पद बात है, जनता के बीच की आवाज जो वहां पर सत्ता की कुर्सी पर बैठी हुई है उससे ब्यूरोक्रेट जो पढ़े लिखे लोग हैं जो पूरी चीजें चला रहे हैं वो चीजें छुपाए लिए जा रहे हैं, कितनी हास्यास्पद बात है किसी भी सरकार के लिए। जी मैंने पहले भी अभी कहा कि ये तो मुझे संभव नहीं लगता है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या सत्ता का विधायक सांसद बैठा हो उसकी बिना जानकारी के इतना बड़ा घोटाला हो जाए। ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आपको जानकारी नहीं दे, लेट लपेट की बात हो सकती है, लेकिन दो दो साल तक आप बैठे रहे कुर्सी पर, आपको जानकारी ही नहीं थी और इतने बड़े घोटाले हो गए, अधिकारी माल खाटता गया और आपको कुछ नहीं मिला। नाम इंसान आया, ये मैं आपको बता दूं, जिसने शिकायत करी उसके बाद भी आप जो है शांत रहे दो महीने तक, आप जाकर आपने बोलना शुरू किया जब ये चीजें मीडिया में आ चुकी है, पूरी तरीके से जनता की जानकारी में आ चुकी है, हल्ला उठने लग गया है, तो आप उसमें अब जो है अपनी कार्रवाई बता रहे हैं कि सरकार की कोई हाथ नहीं है। ये बिल्कुल सीधे सीधे चोर चोर मौसेरे भाई वाला हाल है। अभी आपने जैसे बाइट सुना, श्रीकांत जी साफ साफ कह रहे हैं जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे की खिड़कियों पर पत्थर नहीं मारते, मतलब आप भी शीशे में हैं और हम आप खुद हैं और हम भी हैं। अभी आप भाजपा प्रवक्ता ने खुद कहा कि सरकार की मंशा पर दो दो बार बिना सरकार के किसी मंशा पर प्रश्न उठाए हुए आपने खुद बार बार कहते सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाया जाए, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है। प्रश्न है कि आपकी प्रशासनिक क्षमता क्या है, आप कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है, बड़ी हाथ पर हर चीज में कोई भी विगत ढाई सालों से जितने घोटाले आए, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा आया, कोई भी चीजें आती है आप कहते हो हमने ये किया हमने ये किया हमने ये किया, अधिकारियों को आपने जबरन सस्पेंशन कराया, उनसे रिटायरमेंट कराए, दुनिया भर की आप आए दिन मीटिंग करते हो और अधिकारी आपके सुनते नहीं है, अधिकारी आपको बेवकूफ बना जाते, कैसी सरकार चला रहे हैं आप, और किस मुंह से फिर आप दावा करते थे जब आप बढ़ते थे कि मेरी सरकार आएगी तो अपराध मुक्त सरकार होगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, वही सब तो हो रहा है, परिवर्तन क्या हुआ जो पहले। अच्छा ये एक सवाल है शबनम जी आपसे ही, क्योंकि आपने कहा कि शुरुआत में ही ये सारी चीजें शुरू हो गई, जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था उसी वक्त दो चार एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें हुई, अब दो साल लग गया आपको जांच या फिर चीजें आगे बढ़ाने में, और दो साल आप उसी पटरी पर चलते रहे जिस पटरी पर सरकार ने आपको छोड़ा था, पिछली सरकार सपा सरकार ने कहा था डीएचएफएल में आप जो है पैसा लगाइए, आप उसी पे दो साल तक चलते रहे, आपने कभी उसको चेक करने की चीजें नहीं जरूरत नहीं समझी और गलती को पकड़ पाने की जो है आपकी क्षमता उस वक्त नहीं रही। हिमांशु जी, अगर हमारी मनसा जरा भी गलत होती और हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नहीं रखते होते तो आज हम सीबीआई जांच पे नहीं जाते, कोई कहीं हाहाकार नहीं था, योगी आदित्यनाथ जी के पास ऊर्जा मंत्री गए और सीबीआई जांच के लिए कहा, और ये तो चीजें सामने आ गई ना, नहीं सामने आप देखिए ना, ये 29 अगस्त को ही रिपोर्ट आ गई थी। कैसी बात कर रही हैं आप, 29 अगस्त को रिपोर्ट आ गई थी मैडम शबनम जी, 29 अगस्त को रिपोर्ट आ गई थी कि इस चीज में घोटाला हो रहा है, इस चीज में गड़बड़ी हो रही है। विजिलेंस जांच भी कराई गई ताकि पूरी तरीके से सही हो कि ये सही था कि नहीं, और जब विजिलेंस जांच में भी अनियमितताओं की पूरी तरीके से तब गिरफ्तारी हुई और साथ साथ उसको, अच्छा ठीक है अब क्या, ठीक है जो हो गया उसको छोड़ते हैं, ईडी से भी बात की जा रही है, ठीक है अब आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद करते हैं, चीजें ये है कि अब आगे क्या शबनम जी, सीबीआई जांच हो रही है और जो भी चाहे कोई नेता हो अधिकारी हो जो कोई भी हो वो तो हो नहीं रही है अभी, नहीं जांच में एक्चुअली जांच में हर चीज की जांच में नहीं अच्छा एक चीज जांच में बड़ा समय लगता है, ठीक है अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं, एक सेकंड नित्यानंद राय जी, इसी सरकार में भाजपा के स्वर्गीय नित्यानंद राय जी के जो अभियुक्त मुख्तार अंसारी सीबीआई जांच में बरी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि अभिषेक जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, ये जानते हैं भली भांति कि जांच होती है और जब कानूनी पचड़े में चीजें पड़ जाती हैं तो उसकी जांच ही होती रहती है, आदमी फिर चला जाता है, फाइल बंद हो जाती है, जांच का स्तर ये है अपने देश के अंदर और जांच हो रही है, जांच इस सिस्टम की भी होगी, इसमें कितने दोषी पकड़े जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अभिषेक मिश्रा जी बताइए, जी देखिए यही बात मैं कहता हूं ना कि जांच तो बहुत सारी होती रहेंगी, आप तो एडवोकेट हैं, आप सब जानते होंगे चीजें कि कैसी कैसी जांचें होती हैं, किस किस तरह से सेट की जाती हैं, जी किस तरह से मशीनरी सेट की जाती है, अभी लेटेस्ट अभी ये घटना हुई थी चिमनारंजी वाले, उसमें भी देखिए किस तरह से मैनेज करके पहली बार हुआ है कि जो पीड़िता है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा उसी को जेल भेज दिया गया, जब आपकी बारी आई आपके सत्ता पक्ष के लोग आए और आप किसी तरह बचा नहीं पाए,
उन्नाव रेप कांड में हमने देखा किस तरह से जांच कराई गई, किस तरह से पीड़िता को ही फंसाने, उसके पिता को फंसाने की कोशिश की गई, उसको फंसाने की कोशिश की। तो ये यही मैं कह रहा हूं ना, ये जो कहते हैं वो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात, यही सही सर आपकी मनसा पर प्रश्न चिन्ह उठता है सीधे सीधे। अगर आप इतने पाक साफ हैं तो ये दो दो महीने तीन तीन महीने तक आप क्यों रिकमेंडेशन करते हैं? एक बार एक जांच रिपोर्ट आती है, विभाग कहता है कि हाँ साहब है प्रमिस एविडेंस, तो आप कहते हो नहीं अब हम विजिलेंस से कराएंगे, उसका आप अभी रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, चार महीने आपके रिकमेंडेशन में लग जाएगा, अभी वो गृह मंत्रालय में जाएगी, फिर वहां जब आपको करना होता है चिदंबरम साहब को, तो सीबीआई को अदालत ने मुकदमा खारिज किया, रात ही को आप उसके घर तक पहुंच गए अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहां भी पक्ष का था। यहां जब तक आप ये नहीं मुतमईन हो जाएंगे कि हमारे पक्ष का तो कोई नहीं फंस रहा है, तब तक आपकी तेजी नहीं आएगी। अच्छा, हम ये उम्मीद करते हैं, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, ठीक है, कौन बचाना चाहता है, ठीक है, हमारे पास समय, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, अभिषेक जी, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम जी, दिनेश जी, विजय जी, अभिषेक जी, अरविंद जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई की जाँच अब होगी, वो निष्पक्ष रूप से हो, जो भी अधिकारी मंत्री जी तक सही बातें नहीं पहुंचाते हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और अगर कोई मंत्री जी इसमें फंसे हो तो उन पर भी कार्रवाई हो। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार इस सिस्टम में कौन है जो वहां पर सेंधमारी कर रहा है और चीजों को सही डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा है और आम जनता उससे प्रभावित हो रही है। फिलहाल के लिए युद्ध घोष में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।